नॉनस्टॉप एंटरटेनमेंट के लिए सब्सक्राइब करें शिमारू चैनल्स।
अरे हट चल रही है इधर होती है जख्मों के लिए जितना गहरा जख्म उतनी ज्यादा विस्की छोड़ के आगे मुझे बताया बिना मैंने सुना एक्सीडेंट हुआ था तुम्हारा और ये क्या हुआ है Are you okay? Yeah, I'm fine. I'm absolutely गाड़ी ठीक है गाड़ी का तो क्रियाक्रम हो गया और मेरा भी हो जाता अगर ये साहब वहां पे मौजूद ना होते Really? Absolutely escape. Certain death. तुम बड़ी निराश लग रही हो मलिका हाँ? very disappointed. Please बंद करो ये बकवास अरे खड़े क्यों बड़ो क्या नाम बताया तुमने सुभाष शर्मा सुभाष शर्मा ये है मेरे नामी और बहुत ही बदनाम दोस्त मिस्टर ए डी मर्चेंट हेलो सर एडवोकेट और ये मिसेस एडवाला वाइफ कितना हुआ पहले मीटिंग से बताना मैं टैक्सी वाला नहीं हूं सर सॉरी रिक्शा वाले हो सर मैं चलता हूं नहीं मैं इस तरह नहीं जाने दूंगा तुम्हें ज्यादा नाटक मत करना ए मर्चेंट
मर्चेंट जरा मेरी गाड़ी का देख लेना प्लीज, कहीं कुछ पुलिस पुलिस का चक्कर ना हो प्लीज। थैंक्स। सर मैं निकलूं, देर हो रही है। अब कहाँ रहते हो? नहीं सर, अब इतनी रात को कहाँ जाओगे? तुम यहीं रुक जाओ रात में। बाहर लेफ्ट में एक आउट हाउस है, चाबी बार पे पड़ी है। क्यों? क्योंकि I say so, that's why। मुझे ऐसे एरो गेरो को घर में लाकर ठहराना मंजूर नहीं। सर मैं चलता हूँ। मल्ली, अगर जिंदगी भर का हिसाब लगाया जाए तो गैरों के मुकाबले अपने ही ज्यादा खतरनाक साबित हुए हैं। गुड नाइट सुभाष। गुड नाइट सर। सुबह मिलते हैं। ओके सर। निकलो, आउट। साहब ने मुझे यहाँ पे रुकने को कहा है। साहब ने जो कहा है वो भूल जाओ, और जो मैं कह रही हूँ ध्यान से सुनो, निकलो। अभी इतनी रात? एक रात का तो सवाल है, सुबह साहब को थैंक यू बोल के निकल जाऊंगा ना मैं। सुबह वो नशे में धुत है, सुबह वो तुम्हें पहचानेंगे भी नहीं, समझे? ऐसे कैसे नहीं पहचानेंगे? जान बचाई है मैंने उनकी। क्या जान? सचमुच तुमने मेरे पति की जान बचाई है? आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे आपके पति की जान बचाकर मैंने कुछ जुर्म कर दिया है। What nonsense. Good night. Good morning, madam. Good morning. तुम अभी भी यहाँ हो? मैं तो जा रहा था, साहब ने मुझे रोक लिया, कहा कि सुभाष नौकरी पे लग गया। What? आहा, कॉफी बड़ी अच्छी बना लेता हूँ मैं। नहीं चाहिए तुम्हारी कॉफी। आपके लिए नहीं, मैं मेरे लिए बनाना चाहता हूँ। So if you don't mind, madam। अपना ये मैडम मैडम तुम बंद करो, समझ गए ना? जी मैडम। सॉरी मैडम। मैडम 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 जय जय सिंह, जय जय। क्या है? तुमने इसे काम पर रख लिया है? मैं सुभाष। हाँ, कैसा काम जय? ड्राइवर का। अरे तुम अच्छी तरह जानते हो हमें ड्राइवर की जरूरत नहीं है, ये कोई बेकार खाना थोड़ी ना है। चाहे कहीं और जाके नौकरी ढूंढे। गाड़ी की चाबी दे दो। मैडम चाबी। तू तुझे क्या लगा, टपक गया मैं? अरे किधर था रात भर? अरे पूछ मत बापू। अरे क्या हुआ, कहाँ जा रहा है? नौकरी मिल गई रे। नौकरी कहाँ? बहुत बड़ा बंगलो वाला है उसके वहाँ। बंगलो? नहीं, म्युनिसिपैलिटी मेरे। अच्छा, मतलब हाथ की सफाई से सीधे अब नाले की सफाई पे? हाँ, नाले की सफाई नहीं रे, नरीमान पॉइंट साइड का दरिया है ना। हाँ। वहाँ पे नमक कम पड़ गया है। हाँ। तो जू के दरिये से नमक निकाल के उसमें डालने का। और जू में अगर नमक कम पड़ गया तो मड आइलैंड का है ना। गवर्नमेंट के पास तो दुबई तक की परमिट है रे। तू फिक्र मत कर, तेरी दाल में कभी भी नमक कम नहीं पड़ेगा। मेरा लाल शर्ट कहाँ है रे? हाँ, धोबी को दिया, रख लेना, मैं आके लेके जाऊंगा। ओके ठीक है, चल चल बाय। ओके सर, आपका ड्रिंक। थैंक यू।
गांव में मेरी दुकान थी सर, बाल काटने की। मैं ना ही हूं, वो आग में जल गई दुकान। सर दुकान मेरी आग में जल गई। ओह really sorry to hear that. किसी ने कहा कि बंबई चले आओ, फिल्मों में काम करो। क्या हुआ सर? I'm sorry, क्या नाम बताया? सुभाष। तुम्हारी बात भी नहीं, किस्मत के मजाक पे हंसी आ गई। जानते हो मैं कौन हूँ? नहीं सर। जय सिंह एडन वाला। ये सारी फिल्में आपने बनाई? सड़क से उठाता था और स्टार बनाता था। जय सिंह एडन वाला, द स्टार मेकर, द किंग ऑफ द मूवीज। और फिर एक दिन एक मलिका आई और सर से क्राउन। सुरेश तुम अंदाजा नहीं लगा, सुभाष तुम अंदाजा नहीं लगा सकते कि कैसे कैसे दिन देखे हैं इस घर में। भरा होता था ऑल द टाइम, स्टार्स, स्ट्रगलर्स, जर्नलिस्ट, पॉलिटिशियंस, इंडस्ट्रियलिस्ट्स, और वो सारे फाइनेंशियर्स खड़े रहते थे फाटक के बाहर सूटकेस में नोटों के बंडल लिए हुए। इन वाला हमारे लिए फिल्म बना दो, इन वाला हमारे लिए फिल्म बना दो। तुम्हें भी बना देता अगर पहले मिले होते हम। इन पोस्टर्स पर तुम्हारी भी तस्वीर लगी होती। जय सिंह एडन वाला प्रेजेंट्स सुरेश कुमार, सुभाष कुमार। मगर तुम्हारी किस्मत, यू नो सुभाष, देयर वाज अ टाइम जब अपनी जान बचाने के बदले में मैं तुम्हें अपनी अगली फिल्म का हीरो बना सकता था, लेकिन अब तो एन वाला खुद ही किसी दिन किसी फिल्म के टुकड़े की तरह एक टीन के डिब्बे में बंद कर दिया जाएगा और वो टीन का डिब्बा किसी अंधेरे गोदाम में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। गर्मी में सर आप ये पीना कम करो तो आपकी हेल्थ के लिए। तुम्हारी शादी हुई है? नहीं सर। नसीब वाले हो। या आया मैडम। देख लिया? मैं कम इन। अब अंदर आ जाओ।
साहब ने कहा जब से तुम आए तुम्हें पेमेंट नहीं मिली, इसलिए पलंग पे पड़े ले लो, ले लो। नहीं चाहिए क्या? नहीं नहीं चाहिए ना, चाहिए। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। जय सिंह, जय जय जय, जल्दी आओ। क्या हुआ? कम हियर फास्ट। व्हाट्स द मैटर? क्यों चिल्ला रही हो ऐसे? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे जय, उससे क्या पूछ रहे हो, मुझसे पूछो। ये देखो, मौका मिलते ही मेरे पर्स पे हाथ मारा है। ओह माय गॉड, इट्स एम्प्टी, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। लेकिन मैडम, मैं तो आप अरे सर, मुझसे बात करो, क्या कह रही है ये? नहीं नहीं सर, मैम साहब को कोई गलत फहमी, तलाशी लो ना उसकी। मेरी क्या कह रही है, मेरी बात क्या हो रहा है? देखो, जिस घर में तुम्हें आसरा दिया गया उस घर में तुम ऐसी हरकत करोगे, मुझे यकीन तो नहीं आता। लेकिन तुम्हारी तलाशी लेनी पड़ेगी। सर, तलाशी लो ना। क्या मेरी है जेब में? उसकी जेब क्या है तुम्हारी? क्या है तुम्हारी जेब में? दिखाओ क्या है जेब में। ठीक से तलाशी लो, मेरी आंखों के सामने। निकालो क्या है जेब में। चेक, सब 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 पॉकेट चेक करो, ये वाला। अरे ठीक से चेक करो ना, क्या हुआ? मिले कुछ नहीं है इसके पास। I'm sorry, हाँ? ऐसा इल्जाम लगाने से पहले सोचना तो चाहिए। Stupid phone. ATM का मशीन समझा है क्या? कभी जो बेइज्जती हुई हो। How dare you? तुम चाहते क्या हो? हाँ, पुड़ मत तू। हेलो, मैंने कहा है मैं तुम्हारी पेमेंट भिजवा दूंगी ना। Oh come on Jay, please don't do this to me। मैं क्या जवाब दूंगी सबको? मैं कैसे सबके पैसे चुकाऊंगी? अरे तुम उनको जवाब दोगे, तुम्हारे पास पैसे नहीं है। पैसे नहीं है? What do you mean पैसे नहीं है? पैसे नहीं है तुम्हारे पास? You selfish bastard, नशे में पड़े रहते हो, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। You ruined my bloody life. Oh, I have ruined your life. क्या थी तुम्हारी लाइफ? सड़क छाप औरत किसी लैंप पोस्ट के नीचे खड़ी होती है। अगर तुम्हारी औकात क्या है? हाँ, अगर मैं रास्ते से थी तो तुम रास्ते पे हो। You're on the bloody road. उसकी वजह कौन है? You my darling, तुम्हें किसी नोट छापने वाली मशीन से शादी करनी चाहिए थी। करती, वो भी करती, लेकिन तुमने जो मुझसे शादी करके मेरी जवानी के सारे साल अपनी शराब के नशे में डुबो दिए। I couldn't even become an actress. Oh, but it's not too late, my darling. अभी भी माँ का रोल तो मिल ही सकता है तुम्हें। और नहीं, पर वो भी नहीं मिल सकता क्योंकि माँ के लिए कुछ तो चाहिए। तुम तो बर्फ का पुतला हो। और तुम, हाँ, बाप बनने की ताकत है तुम्हें, हाँ? Ha ha ha!
सर ओके सर सर कैसा लग रहा है अभी हाँ मच बेटर थैंक यू और ये लो मेरी जेब में डाला था ना तुमने उस दिन सॉरी सर मैडम ने मुझे दिए थे कुछ कहने की जरूरत नहीं है कुछ कहने की जरूरत नहीं है मैं सब जानता हूँ मैं सब जानता हूँ जब मैं मेरा दम घुट रहा था और मैं डेस्परेटली ढूंढ रहा था इसे दैट ब्लडी बिच वो मलिका उसने इसे खिड़की के बाहर फेंक दिया था लेकिन क्यों सर क्यों ताकि मैं सांस न ले सकूं और दम घुट घुट के मर जाऊं मतलब मर्डर मर्डर दैट बिच वांट्स टू किल मी लेकिन सर मेम साहब ऐसा क्यों करेगी क्योंकि वो जानती है कि मैं जीते जी शराबी कंगालिया उसके गले में बंधा पत्थर हूं लेकिन मरा हुआ 24 करोड़ का हूं 24 करोड़ मैं समझा नहीं सर कुछ बहुत साल पहले लंदन के एक इंश्योरेंस कंपनी से मैंने अपना बीमा करवाया था 24 करोड़ का जो मैंने उसके नाम कर दिया है आई बात समझ में लेकिन सर मुझे नहीं लगता कि मैम साहब ऐसा कुछ करने का सोचे अच्छा व्हाट अबाउट दिस मेरी जिंदगी में बहुत औरतें आई लेकिन ये पहली ऐसी औरत थी जिससे मैंने प्यार किया बड़ी अजीब चीज होती है ये प्यार भी नहीं कब किससे कहां क्यों हो जाए कोई नहीं जानता शायद ऊपर वाला भी नहीं मैं उसके प्यार में गर्क था और वो हराम शादी मेरे पैसे के प्यार में थी ये तुम्हारे लिए तुम्हारी 6 महीने की पगार एडवांस में सर थैंक यू सर लेकिन 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 कुछ नहीं इट्स फॉर यू नहीं क्या है कि सर नहीं 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 रख लो ना रख लो नहीं सर इसमें तो अरे भाई मेरा मान रखो और रख लो साइन नहीं किया सर I'm sorry. Sorry. ये लो. Thank you, sir. और अब मैं अपने ऑफिस जा रहा हूँ. इस वक्त? हाँ, कुछ जरूरी काम है, वो खत्म करना है. Okay, sir. मैं गाड़ी निकालता हूँ. नहीं, कोई जरूरत नहीं है. मेरी रगों में खून से ज्यादा विस्की जरूर दौड़ रही है, लेकिन एक बात जब ठान ली सर संभाल के नहीं सुभाष शर्मा क्या हुआ तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है सरप्राइज साला कहीं ये चेक रिटर्न तो नहीं होगा ना Thank you.
हाँ सर, मिस्टर मर्चेंट को पहुंचा देना। ओके, संभाल के, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, मैं अभी नहीं, नहीं 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 अभी नहीं अभी नहीं हा? अभी इस वक्त आई वांट यू हियर। बैठो बैठो। मलिका मलिका, कहाँ हो तुम? क्या है, चिल्ला क्यों रहे हो? नीचे आओ। मैं अभी बिजी हूं। आई सेड नीचे आओ। क्या है? बैठो बैठो, मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। तो फिर ये यहां क्या कर रहा है? मैंने बुलाया उसे। What nonsense? Shut up and sit down. Thank you. मुझे तुम्हें अपने एक बहुत इंपॉर्टेंट फैसले के बारे में बताना है, तो ध्यान से सुनो। And you too. सुभाष, तुम्हें तो मेरी इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में मालूम है ना? जी सर। I told you about it. But for your information, my darling, मैंने उस पॉलिसी में कुछ बदलाव किए हैं। जैसे कि अगर मेरी मौत आत्महत्या से होती है तो इंश्योरेंस कंपनी को एक पैसा भी नहीं भरना पड़ेगा। In other words, my darling, अगर मैं आत्महत्या कर लूं तो तुम्हें एक ढेला भी नहीं मिलेगा। Lovely thought. Unless तुम मेरी सुसाइड को मर्डर साबित कर सको। Unless तुम अपने इस लालची दिमाग को जरा दौड़ाओ, थोड़ा खतरा उठाओ और ऐसे हालात ऐसे सबूत खड़े करो जिससे पुलिस को यकीन हो जाए कि किसी ने मेरा खून किया है। Go to hell, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी एक फूटी कौड़ी। ये फूटी कौड़ी का नहीं, 24 करोड़ का सवाल है माय डार्लिंग। फूटी कौड़ी। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस वक्त तुम चाहे जो कहो लेकिन 24 करोड़ की लालच तुम्हें नहीं रोक पाएगी, और उसे पाने के लिए तुम बिल्कुल वही करोगी जो मैं कह रहा हूं। वैसे पुलिस और बीमा कंपनी की आंखों में धूल झोंकना आसान काम नहीं है, लेकिन तुम जरूर कुछ ना कुछ रास्ता निकाल लोगे, वरना तुम्हें ढेला भी नहीं मिलेगा। और सुभाष को मैंने यहां इसीलिए रोका है ताकि खून के इल्जाम में तुम इसे ना फंसा सको। You're a sick bastard. And for God's sake, अपना ये तमाशा बंद करो। तमाशा तो अब शुरू होगा। The show must go on. You are drunk. होश को बैठ गए तुम। जाओ जाके सो जाओ और तुम भी सो लो।
मल्लिका, ये कैसे फोन कर रही हो? पुलिस को। नो नो मल्लिका सुनो, ये आदमी तुम्हें जाते जाते चैलेंज दे गया है, अगर तुम जीत गई तो इनाम रुपया 24 करोड़ है। ये 24 करोड़ का चैलेंज नहीं, 24 करोड़ का कांटा लटका के गया है मेरे सामने। अगर मैं निकलने जाऊँ तो फंस जाऊंगी मैं। अगर तुम अकेले कुछ करने गई तो फंसोगी, लेकिन मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूँ। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। ओ प्लीज फॉर गॉड सेक, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी मदद। मदद नहीं रे, मदद नहीं, पार्टनरशिप 50-50, 12 तुम्हारे बाकी के मेरे। मत दिखाओ मुझे और सपने, थक गई हूँ मैं सपने देख देख कर। ये सपना नहीं, ये हकीकत है, ये खुली आंखों की हकीकत। ये देखो, ये देखो, ये 24 करोड़ का चेक तुम्हारे सामने पड़ा है मल्लिका, उठाओ और डाल दो बैंक में। क्या? नहीं, मैं कोई जोखिम नहीं उठाना चाहता। अरे बिना जोखिम उठाए कुछ भी हासिल नहीं होगा, जोखिम तो उठाना पड़ेगा मल्लिका। देखो समझने की कोशिश करो, कम जोखिम और कम मुनाफा उसे बिजनेस कहते हैं, जबरदस्त जोखिम और जबरदस्त मुनाफा उसे जुआ कहते हैं, लेकिन कम जोखिम और जबरदस्त मुनाफा उसे मौका कहते हैं, अ चांस ऑफ अ लाइफ टाइम। ऐसा मौका जिंदगी में कभी कभार आता है, हर कोई ऐसे मौके की तलाश में सारी जिंदगी गुजार देता है मल्लिका, ये वो मौका है। और किसके बाप गए ये 24 करोड़ रुपए? बीमा कंपनी को तो आज नहीं तो कल इसे चुकाना ही था, फिर हम क्यों इसे जाने दे? और ये आदमी तो मर ही चुका है, क्या फर्क पड़ता है किसी को भी अगर ये साबित हो जाए कि खुदकुशी नहीं खून है? नहीं, हम कोई जुर्म नहीं कर रहे, हम कोई क्राइम नहीं कर रहे हैं। नो ऑफ कोर्स हम थोड़ा सा झूठ बोलेंगे, थोड़े से झूठे सबूत जुटाएंगे। अरे कैसे सबूत, कौन सा झूठ, कौन साक्षी? अरे डॉक्टर देखते ही बता देगा कि किस वक्त इसकी मौत हुई है, और फिर पुलिस बता देगी कि उस वक्त हम दोनों यहाँ मौजूद थे, तो फिर अगर हम दोनों के अलावा किसी तीसरे ने इसको मारा है तो कौन है वो तीसरा? क्यों खून किया, कब खून किया, कैसे किया? नो 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 प्लीज प्लीज, तुम पुलिस को फोन करो, अभी करो। मल्लिका प्लीज, मुझे सोचने का वक्त, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। ओ यू ब्लडी इडियट, तुम इतना भी नहीं समझते, इसने वक्त ही नहीं छोड़ा मेरे हाथ में। मल्लिका मल्लिका सुनो, वेट, ये फ्रीजर काम करता है? हाँ। इसका कनेक्शन कहाँ है? इस तरफ है। चालू करो, चालू करो। गुड गुड, अब इनकी लाश को उठा के इसमें रख देते हैं। पर इसमें? हाँ। मॉर्ग में डेड बॉडी को इसे बर्फीले खानों में क्यों रखा जाता है? क्योंकि बर्फ के अंदर लाश वैसी की वैसी स्थिति में पड़ी रहती है हफ्तों तक, महीनों तक। मतलब ये कि 6 महीने के बाद भी इनकी लाश को बाहर निकालकर डॉक्टर को बुलाओगी ना, तो भी डॉक्टर यही कहेगा कि इनकी मौत 1-2 घंटे पहले ही हुई है। हाँ। मतलब हमारे पास वक्त ही वक्त होगा इनकी आत्महत्या को खून में बदलने का, बाद नए हालात, नए गवाह, नए सबूत इकट्ठे करने का वक्त। हाँ, पर हम ये कैसे साबित करेंगे कि किसी तीसरे ने इसका खून किया है? ये मैंने अभी तक नहीं सोचा है। What? पहले सिर्फ अंदर बॉडी, that's it। अरे ये बहुत खतरनाक है और मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। ओए, ये चने कुरमुरे नहीं चबाने, 24 करोड़ का सवाल है, थोड़ा जोखिम तो उठाना पड़ेगा ना। अरे थोड़ा जोखिम, तुम इसे थोड़ा जोखिम कहते हो? अरे सबसे पहले पुलिस को शक मुझ पर होगा, और अगर हम ये साबित करने में कामयाब हो भी गए कि आत्महत्या नहीं खून है, तो फिर क्या, उसी खून का इल्जाम मेरे सर पर? There is no way I'm doing this. No. चलो मान लो कि ऐसा हुआ, तो इसका जवाब ये है। ये क्या है? ये ये खत इन्होंने तुम्हारे वकील मिस्टर मर्चेंट के नाम लिखा था, जो मैंने खोल के पढ़ लिया है। दिखाओ मुझे। मैं पढ़ता हूँ ना, पढ़ा लिखा हूँ, पढ़ता हूँ। बस शुरू में तो वही लिखा है जो इन्होंने तुमसे कहा था, अब वो सुनो जो इन्होंने तुमसे नहीं कहा था। मल्लिका मेरी आत्महत्या को खून में बदलने की कोशिश करेगी, वाह, और ऐसा करते वो इसी खून के इल्जाम में फंस जाती है, तो ये खत पुलिस को देकर उसे छुड़वा लेने की विनती है। दिखा, तुम दिखा मुझे ये खत। अभी अधूरा है, अभी अधूरा है। और अगर वो इसे खून साबित करने में कामयाब हो जाती है, तो ये खत बीमा कंपनी को देकर पेमेंट रुकवाने की विनती है। ये चाहता ही नहीं था मेरे हाथ में एक भी पैसा आए। खुशिया मर्डर। ये आदमी तुम्हारा जबरदस्त मजाक उड़ाना चाहता था, किसी भी सूरत में तुम्हारे हाथ पैसे ना लगे ऐसा सेटिंग करके गया है। लेकिन तुम यानी कि हम नसीब वाले,
ये खत हमारे पास है, हैं? खुदा ना खास्ता इनके कत्ल का इल्जाम अगर हमारे सर लग गए तो ये दरवाजा खुला है बाहर निकलने के लिए, नहीं? लाओ ये खत मुझे दो, come on give it to me, no, अरे ये खत मुझे दो, बेवकूफ समझती हो मुझे, हैं? एक बार इनके 24 करोड़ तुम्हारे हाथ लग जाए बाद में तुम तो भूल ही जाओगे ये सुभाष शर्मा कौन है, तो ये राशन कार्ड लेकर मैं हाजिर हो जाऊंगा ना कि वो मैं हूं बहन जी, वो मैं हूं, बोलो हाँ या ना। कि हाँ या हाँ। मिस्टर एडन वाला जिंदा है? जिंदा है? अगर हमसे किसी ने पूछा तो, ओके? जिंदा है तो कहाँ है? ऊपर बेडरूम में। उनकी तबीयत बहुत खराब है, डॉक्टर ने उन्हें आराम करने को कहा और कोई भी उनसे मिल नहीं सकता। नो नो, ओके? तो इसका मतलब इस घर में मैं, तुम और ये, या पुलिस को सीधा हम पर ही शक होगा। व्हाट इज रॉन्ग विद यू? इस घर में अब हमको कोई तीसरा आदमी भी चाहिए। तीसरा? हाँ, साहब बीमार है, उनकी देखभाल के लिए, तुम्हारी मदद के लिए किसी भी लड़की की, किसी नर्स की जरूरत है। तुम जानती हो किसी ऐसी लड़की को जो यहाँ पे आ सके? नहीं, पर मैं मिस्टर मोशन को फोन करती हूँ। ओह दैट विल बी ग्रेट, ग्रेट, फोन करो उनको। ओह माय गॉड, क्या हुआ? अगर किसी ने इसे खोल के देख लिया तो हमें इसे लॉक करना होगा। इसकी चाबी? नहीं नहीं नहीं, क्यों? इसे लॉक नहीं कर सकते, नहीं। But why? अरे लॉक देखकर कोई भी सवाल करेगा कि क्या है इसमें, और हम कहेंगे कि खाली है, तो शक करेगा कि खाली है तो फिर लॉक क्यों किया है। तो इसका मतलब इसको हम यहाँ ऐसे ही कौन कहता है शराब बुरी चीज है, इसकी तो खाली बोतल भी काम आती है। अब इसे खोलकर अंदर देखने के बारे में कोई नहीं सोचेगा। जिसे भी देखना हो उसे सारी बोतल से जो उठा। Hi. How are you? How are you? I'm fine. Swati. Hello. Aiden वाला हमारे family friends हैं, कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए, okay? अरे मैं क्यों शिकायत करने लगी इतनी sweet लड़की की? Anyway, thanks for coming. Good morning sir. Good morning. तुम अभी भी यहाँ हो? दूसरी मुलाकात होगी नसीब में, और क्या? Bags निकाल। जी। स्वाति को उसका कमरा दिखा और बाद में घर। जी। क
कैसा है जैसी? मैं हेलो करके आता हूं। He is fine, Mr. Merchant. Please don't disturb him. बहुत परेशान किया मुझे चिल्ला चिल्लाकर. अभी जाके आंख लगी उनकी. आंख खुल जाएगी, मैं जानता हूं उसकी आदत. Come on. नहीं मिला तो मुझ पर चिल्लाएगा. बोलेगा यहाँ तक आया और मिला नहीं. अभी तो बहुत चिड़चिड़े हो गए हैं. Oh, yeah? बिना वजह कुछ भी उठा कर फेंक. I'll handle it. Don't worry. पहले चाय तो पी लीजिए. नहीं, मुझे नहीं पीनी. डॉक्टर ने कहा है कि मैं चाय पीऊं. अब नहीं, कि उनसे कोई ना मिले. मैं झांके निकला था. क्यों कहते उन्हें डिस्टर्ब करने? आपने कहा था ना पेपर साइन करवाने के लिए, तो सर पे एक्सरे मार दिया. सर, सर, आप अंदर जा रहे तो पेपर साइन करवा दीजिए ना, प्लीज. पागल हो गया क्या? सर तोड़ने क्या मुझे? सर, आप तो उनके दोस्त हैं, प्लीज साइन करवा दीजिए ना, प्लीज. हाय. Hi, are you okay? Yeah. Just मामूली सी चोट है. बहुत दिन से बीमार है, तो बीमारी की वजह से चिड़चिड़े हो गए, तो जो हाथ में आओ मार देते हैं. आज एक्सरे मार दिया. तुम ऊपर जाना ही मत उनके कमरे में. तुम सीढ़ी चढ़ना ही मत. मर्चेंट अंकल कह रहे थे वो बहुत बड़े फिल्म प्रोड्यूसर हैं. हाँ, नाम नहीं सुना तुमने उनका? नहीं. एडन वाला मूवी टोन, उन्होंने वो फिल्म बनाई थी ना अपनी, वो आप आए बाहर आई. आप आए बाहर आई, वरना मैं अंदर थी. नहीं, ये क्या पेंटिंग? हा? मेरी आर्किटेक्चर की स्केचेस. आर्किटेक्चर? ओहो, मैं तो मान ही नहीं सकता. क्यों? नो, आई मीन आर्किटेक्चर और यहाँ ऐसे केयरटेकर बन के आना, तो क्या हुआ? हम सात भाई बहन हैं. पापा की पेंशन से घर का खर्च चलाना पड़ता है. अपने खर्च के लिए मैं जॉब कर लेती हूँ. गुड गुड. मैं एक बात पूछूं? या? तुम यहाँ कब से हो? थोड़े दिन हुए. क्यों? एक्चुअली जब से मैं इस घर में आई हूँ, मुझे बहुत अजीब सी फीलिंग हो रही है. तुम्हें भी ऐसे हुआ था जब तुम यहाँ आए? नो. या. क्या होता है कि हम लोग छोटे छोटे भरे भरे घर में रहने वाले, और ये बड़ा बड़ा घर खाली खाली, इसलिए ऐसा लगता है. या नहीं, बात कुछ और है. मैं समझा नहीं पा रही, बट आई डोंट नो, इट्स जस्ट स्ट्रेंज. आई नो, स्ट्रेंज, आई नो. एनीवे, आई विल गेट यूज्ड टू इट. या, यू विल गेट यूज्ड टू इट. या. आर्किटेक्चर छोड़ दो, रेस्टोरेंट खोल दो. लवली फूड. थैंक्स. वो मैडम कहाँ गई? अपने कमरे में है. ओके. सुभाष, क्या शाम की तैयारी? सुभाष. ये मिस्टर एडन वाला बराबर दवाई नहीं लेते लगता है. मैडम पानी का ग्लास वापस लाती है. दारू के साथ लेते होंगे. अच्छा. स्टूपिड आदमी है यार. सुभाष, उन्हें क्या बीमारी है? बड़े आदमियों की बीमारी ऐसी बड़ी बड़ी होती है, समझ के बाहर होती है. क्या बोले? क्या हुआ? सुभाष, are you okay? पानी चाहिए? ये बंद क्यों है? मैंने बंद किया. क्यों? मैडम ने कहा खाली है, तो मुझे लगा गलती से ऑन रह गया, तो मैंने बंद कर दिया. ओके ओके ओके. कब बंद किया है? बस अभी 5 मिनट पहले. इसको है ना, इसको बंद नहीं करते. ये अगर खाली हो ना तो भी इसे चालू रखना पड़ता है. क्यों? अंदर ऐसे सिस्टम है. क्या है, अंदर दीवार पे बर्फ जमी रहती है, तुम बंद करो तो बर्फ पिघलने लगती है, फिर अंदर पानी भर जाता है. अंदर कुछ रखना हो तो पानी बाहर निकालो, नहीं तो मोटर बिगड़ जाती है. अंदर जर्मन कंप्रेसर है,
38 का। बिगड़े का तो नहीं ना? नहीं नहीं, सिर्फ 5 मिनट ही हुआ है ना। हाँ सिर्फ 5 मिनट। तो नहीं बिगड़ेगा, नहीं तो पानी पानी। थैंक यू, हाँ तुमने मुझे बचा लिया, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाती। ए रिलैक्स यार, रिलैक्स। ओके एक मिनट, क्या हुआ? उस लड़की को निकालो यहाँ से। What? हाँ, आज उसने फ्रीजर का स्विच ऑफ किया। हाँ। कल ऊपर कमरे में आ गई तो? ऐसा कुछ नहीं करेगी वो। अरे वो पागल है, वो कुछ भी कर सकती है। लेकिन अब उसे निकाल नहीं सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? कोई चक्कर चलाने का इरादा उसके साथ? Just shut up, okay, and go. वो प्लान के बारे में सोचा तुमने कुछ? क्या जल्दी है, वो तो अंदर ही पड़ा है ना। अरे सोचेंगे यार, बड़ी सावधानी से सोचना होगा, समझी? और देखो तुम मेहरबानी करके रात के वक्त यहाँ मत आओ, अगर उसको शक हो गया तो सारा खेल खत्म हो जाएगा। ओके नाउ गो। नींद में चल रही थी, शायद कोई सपना देख रही होगी, उसे किसी भी बात का होश नहीं। ओके डोंट वरी, हम उसे जिंदा नहीं छोड़ सकते। व्हाट? हाँ, उसे शक हो गया है और हमें उसे खत्म करना ही होगा। दैट्स इट। खत्म? फिर ना उसको भी अंदर रख देंगे एडन वाला के साथ में। ओह शट अप, हम उसे टेरेस पर लेके जाएंगे और नीचे धकेल देंगे, कह देंगे नींद में चल रही थी और मौत हो गई। तुमने कोई ऐसा व्रत रखा है कि हर सातवें दिन किसी न किसी को मौत के घाट उतार दोगे? रहम करो मर्डर में, यहाँ साला रात हुई नहीं कि शिकार पे निकल पड़ती हो। गो टू योर रूम इडियट। स्वाति, स्वाति हाय, जाओ अपने कमरे में जाकर सो जाओ, यहाँ पैसेज में। मैं यहाँ? हाँ, तुम्हें नींद में चलने की आदत है। मैं यहाँ तक आ गई? मैंने यह लाइट देखी, ये देखो ये देखो, तुम यहाँ पे खड़ी खड़ी ये नींद में सारी बॉटल्स उतार रही थी। हाँ, ये सारी बॉटल्स तुमने उतारी है यहाँ पे। ओह माय गॉड। हाँ,
कोई सपना देख रही थी डीप फ्रीजर का? हाँ शायद नींद में मुझे इसी का ख्याल आ रहा था। मुझे लगा ही। कहीं अंदर पानी तो नहीं भर गया ना? कहीं मैंने बिगाड़ा तो नहीं ना? अरे कहाँ बिगड़ा है, ये देखो कहाँ बिगड़ा है, चल रहा है ना। और बिगड़ जाता तो मैं रिपेयर कर सकता हूँ ना? हाँ मैं रिपेयर कर सकता हूँ। अरे मैं तो मैडम को भी रिपेयर कर दूँ, ये तो मशीन है। तुम अपने कमरे में जाकर सो जाओ, मैं रख लूंगा। हाँ तुम कमरे में जाओ, लेट नाइट करोगे ना तो फिर पगार काट लेगी ये। मैडम चिल्लाएगी तो नहीं ना? इट्स ओके नो, गुड नाइट। सॉरी, हाँ आई एम रियली सॉरी। गुड नाइट। थैंक यू सुभाष। गुड नाइट। इस लड़की का मुझे बहुत डर लग रहा है। तो मतलब हमें जो करना होगा जल्द से जल्द करना होगा। कल रात 9 बजे, ओके? अब तक तो सब ठीक जा रहा है। हाँ है तो बहुत होशियार, पहले हम उसकी होशियारी का फायदा उठा ले, उसके बाद आई एम वेटिंग फॉर द राइट मोमेंट टू किक हिम आउट। ओके गुड नाइट। जी मैडम। एक काम करो, यहाँ की रोशनी कम कर दो। हाँ? उनकी आंखों को तकलीफ होती है। ओके। मैडम है? अच्छा गए? अरे यार एक गाड़ी की वजह से लेट हो गया। नहीं नहीं रास्ते में गाड़ी बिगड़ गई है। हाँ तो मैं घर तक पहुंचा के आता हूँ। ओके हाँ तुम सो जाओ, फिक्र मत करो, सो जाओ। ओके चले। यहाँ से सीधे मिल्क बूथ जाएंगे, तुम्हें मिल्क बूथ में बंद करके तुम्हारे हाथ पर बांध दूंगा और मुंह में कपड़ा ठूस दूंगा। कपड़ा क्यों? अरे तुम्हारा मुंह खुला हो तो तुम चिल्ला कर लोगों को इकट्ठा नहीं कर सकती। और कोई जगह नहीं मिली, मिल्क बूथ ही क्यों? सुबह 4:30-5 बजे दूध की गाड़ी आ जाती है, वो लोग तुम्हें मिल्क बूथ के अंदर देखकर छोड़ाएंगे। तो तुम अंदर रहोगी तो भी सिर्फ 2-3 घंटे के लिए, तुम्हारे भले के लिए है मिल्क बूथ के। चलो जल्दी रुको। प्लान ध्यान से सुनो, सुनो। सुबह सुबह जब मिल्क बूथ की गाड़ी वाले तुम्हें छुड़ाएंगे तो तुम्हें पुलिस से ये कहना है कि तुम और एडन वाला इरला नर्सिंग होम जा रहे थे उनको एडमिट करवाने, और रास्ते में कुछ गुंडों ने तुम्हारी गाड़ी रोकी, तुम्हारे हाथ पैर बांध के मिल्क बूथ में बंद कर दिया और एडन वाला को किडनैप करके लेके गए, समझी? किडनैप गाड़ी के साथ। अब एडन वाला कहा है तुम्हें कुछ नहीं पता। ओके हाँ
लेकिन वो अंदर ही होंगे ना? नहीं, बाहर निकलेंगे, स्नान करके नाश्ता करके फिर से अंदर चले जाएंगे। अरे अंदर ही रहेगा ना, बाहर घूमने थोड़ी जाएगा। बेवकूफों जैसी बातें मत करो। और बाद में 3-4 दिन के बाद हम उनके डेड बॉडी को बाहर निकाल कर किसी सुनसान जगह पर फेंक देंगे। तो पुलिस को मानना ही पड़ेगा कि तुमने सच कहा है, और जो गुंडे लोग उनको किडनैप करके लेके गए थे उन्हीं ने उनका खून करके फेंक दिया है। मतलब ये खून घर के बाहर होगा जब मैं और तुम स्वाति की गवाही में घर में मौजूद होंगे। ओके, समझी? वन मोर थिंग, गुंडे तुम्हें यहां बांध कर फेंक गए वो दिखाने के लिए, आंखें बंद करो, क्लोज योर आईज एंड सी द मैजिक। ओके, 1-2 सॉरी, ऑल द बेस्ट। हेलो जी मर्चेंट अंकल, क्या नर्सिंग होम ही नहीं पहुंचे? दैट्स सरप्राइजिंग, तो कहां गए होंगे? पुलिस को? हाँ हाँ, एक मिनट। हेलो, पुलिस स्टेशन। गाड़ी कहां मिली? महालक्ष्मी रेस कोर्स के पार्किंग लॉट से। कमाल, एक बार मैं सोचा कि शायद आउट ऑफ टाउन चले गए होंगे, लेकिन रेस कोर्स पे गाड़ी मिली इस तरह। कोई और इन्फॉर्मेशन मिली तो आपको बताते हैं। और तुम मिस्टर एडन वाला के बंगले में रहते हो ना? जी सर। कोई फोन वगैरह आया तो फौरन इत्तला करना। हाँ जी सर। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। यू वेलकम, थैंक्स। साहब मुझे आगे कहीं छोड़ देंगे? ए, आगे बैठ। हाँ, थैंक यू। हाँ सर,
बेल्ट पेन बेल्ट। सॉरी हाँ, क्या लगता है? किसका क्या लगता है? साहब का और मेम साहब का क्या लगता है? मुझे बड़ी फिक्र हो रही है। फिक्र करने की जरूरत नहीं है, पगार मिल जाएगी। पगार तो साहब ने 6 महीने की दे दी है एडवांस। ओ, पगार मिल गए ना? बस तू घर पे रहे, जब तक साहब नहीं आते घर पे रहना, अपना काम कर, भाग मत जाना। कब वापस आएंगे साहब? मुझे क्या पता कब वापस आएंगे, कहाँ गए कहाँ? मुझे क्या पता कहाँ गए? नहीं, ऐसे बात में से बात निकली हो तो आपको पता चला हो कि कहाँ गए। बात में से बात चपरासी के साथ होती है, वकीलों के साथ नहीं। एंड आई एम अ वकील, ओके, आई एम अ वकील। आप वकील है? मुझे तो लगा कि आप क्या? नहीं, मतलब चपरासी नहीं है ना, चपरासी हो तो आपको पता होता ना कि कहाँ। शट अप, ओके, शट अप। क्या बोला, क्या बोला तू? नहीं, मैं आपसे खाली पूछ रहा हूँ कि साहब कहाँ गए, इसमें अभी तेरा गुस्सा क्यों कर रहा है? नहीं नहीं, मैं गुस्सा नहीं कर रहा हूँ, पूछ पूछ, तेरा तो हक बनता है, पूछना है, जो पूछना है पूछ। हक बनता है, कहाँ गए वो लोग? चल निकल। हाँ जी सर। नहीं सर, या सर, ओके। सुभाष, एनी न्यूज? लेजी पुलिस वाले, 2 दिनों के 2 आदमियों को पता नहीं लगा सकते, इडियट्स। इट्स नॉट इजी सुभाष, इतना बड़ा शहर है। अरे क्या बड़ा शहर, सुबह दूध की गाड़ी आती, फट से पता। दूध? दूध की गाड़ी? मैं भी टेंशन में क्या क्या बोल रहा हूँ। दूध की गाड़ी क्या हुआ होगा, कहाँ गए होंगे? स्वाति, तुम जितना जानती हो उतना ही जानता हूँ मैं भी तो, अब इस मामले में। नहीं, तुम कुछ ज्यादा जानते हो, मुझे पता है तुम जबरदस्त टेंशन में हो। यार टेंशन तो होगा ना यार, साला 2-2 दिन से इनके लफड़े में फंस के बैठे, टेंशन नहीं होगा यार? नहीं सुभाष, बात कुछ और है, मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। स्वाति, तुम्हें याद है वो जब नर्सिंग होम जाने के लिए निकले उस दिन मुझे यहाँ आने में देर हुई थी? तुम्हारी गाड़ी खराब हो गई थी उस दिन ना? मेरी गाड़ी खराब नहीं हुई थी स्वाति, मैंने तुमसे झूठ कहा था, एक्चुअली मेरा एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट? हाँ, मुझे आने में देर हो रही थी, मैं गाड़ी भगा कर लेके आ रहा था तो एक मोटर बाइक वाले को मैंने दम से उड़ा दिया। मुझे यकीन है उसके हाथ पैर में बड़ी चोट आई है। अब मुझे टेंशन इस बात का है, एडन वाला की पूछताछ में अगर एक्सीडेंट वाली बात निकली तो मैं बुरी तरह से फंस जाऊंगा यार। ओके, जस्ट रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स। गॉड, स्वाति, स्वाति तुम मुझे एक फेवर करोगी? बोलो। स्वाति, पुलिस वालों ने अगर तुमसे पूछा जस्ट इन केस, तो उनसे कहोगी कि जब वो लोग नर्सिंग होम जाने के लिए निकले तब मैं इधर ही था, मैडम ने मुझे कहा था यहाँ पे रुकने के लिए। हा? पर मैडम कहेगी ना कि तुम्हें आने में देर हो गई थी। तब देखा जाएगा, मैं क्या करूं यार, मैंने पुलिस के स्टेटमेंट में भी यही लिखा है और मिस्टर मर्चेंट से भी यही कहा, तो अब अगर मैं कुछ उल्टा बोलूंगा तो मैं फंस जाऊंगा ना। प्लीज स्वाति, प्लीज, मुझे सिर्फ तुम ही बचा सकती हो, प्लीज। ओके। देखा कैसे रिलैक्स हो गया, रिलैक्स। क्या हुआ, कुछ पता चला? हाँ पता चला, चलो मेरे साथ। मैं आया। क्या हुआ इनको? कब की मर चुकी हैं। शी इज डेड।
भाभी माँ, भाभी माँ, अरे 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 भाभी माँ, भाभी माँ, भाभी, ये देवर है इनके? देवर नहीं, ड्राइवर है। हैं? Merchant, legal advisor to the Eternalas. I see. Sir. कौन कौन रहता है यहाँ? सर सगे में तो कोई नहीं, स्टाफ के दो लोग हैं, ये स्वाति और एक ये सुभाष। Why don't you sit down? तुम क्या काम करते हो यहाँ? सर मैं साहब की गाड़ी चलाने से लेके ड्रिंक बनाने तक सब कुछ। यस सर, मिस्टर एदनवाला इज अ हैवी ड्रिंकर, पिछले 5 साल से कोई काम नहीं, फिल्मों में हैवी लॉस, सर पे बहुत बड़ा कर्जा है सर। कितना बड़ा? ये मकान गिरवी। लेन देन वाले परेशान करते हैं, हर हफ्ते किसी ना किसी का लीगल नोटिस आता है। वन मोर थिंग सर, शनिवार रात 9 बजे के करीब ये लोग नर्सिंग होम जाने के लिए घर से निकले और तब से अब तक मिस्टर एदनवाला का कुछ पता नहीं सर। नर्सिंग होम क्यों? क्या बीमारी है? मेनली ड्रिंकिंग प्रॉब्लम। अल्कोहलिक? पानी। थैंक यू स्वाति। वेलकम सर। इनका डॉक्टर कौन है? डॉक्टर? मैं तो ड्राइवर हूं सर, ड्राइवर। अरे उनका डॉक्टर कौन है? डॉक्टर? नफरत थी डॉक्टरों से, साहब को कभी भी किसी भी डॉक्टर को नजदीक नहीं आने दिया उन्होंने। और नर्सिंग होम जाने के लिए तैयार हो गए? भाभी माँ ने समझाया था उनको। शनिवार के बाद कोई घर पर? कोई फोन? घर से कोई सामान लेकर गए थे? एक छोटा सा सूटकेस था। गाड़ी कहाँ से मिली? सर महालक्ष्मी रेस कोर्स के पार्किंग लॉट से। गाड़ी के अंदर से कुछ गया? कुछ नहीं सर, कार स्टीरियो एसी कुछ भी नहीं, बल्कि मिसेस एडनवाला ने तो वो डायमंड का ब्रेसलेट, ब्रोच और रिंग्स, करीब 2-2.5 लाख की ज्वेलरी पहनी हुई थी, वो भी किसी ने नहीं ली सर। स्ट्रेंज, जब वो लोग गए तुम यहीं थी? जी सर। और सुभाष? वो यही था। यही था। तुम क्यों नहीं गए? ड्राइविंग तो तुम करते हो। नहीं एक्चुअली मैं ही जाने वाला था, लेकिन भाभी माँ ने कहा कि तुम यहीं पे रुको। क्यों? स्वाति यहाँ पे अकेली थी ना, फिर भी मैंने उनको समझा कि भाभी माँ मुझे आने दो, तो उन्होंने मुझे कहा कि मुझे गाड़ी वहां पे चाहिए, तुम वापस कैसे जाओगे बेटे? सर ये सारा कसूर मेरा है, सारा कसूर मेरा है सर, ये तो मेरे आलस की वजह से हुआ। अगर मैंने आलस प्लीज मेहरबानी करके शांत हो जाइए, अरे बार बार रोइए मत। एक बार एडन वाले की क्या जान बचाई तब से यहीं पड़ा है। अरे क्या खाक जान बचाई थी, एक की जान बचे दूसरे की चली गई। मेरे साहब को बुलाओ, मेरे साहब को बुलाओ। बस बस बस, तुम्हारे साहब आ जाएंगे, मिल जाएंगे, शांत हो जाओ। अभी बाथरूम जाओ, मुंह हाथ धो लो। गदरे, जी सर, इनको लेके जाओ। मुझे पता है बाथरूम का है, तुम जाके दूसरा ड्यूटी करो। बहुत भावुक आदमी है लेकिन अकल थोड़ी कम है। अकल होती तो ड्राइवरी थोड़ी करता। एक्सक्यूज मी, हेलो। ओ, थैंक यू, लीजिए। इरला नर्सिंग होम के पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि मिस्टर एडनवाला वहां भर्ती होने वाले थे। व्हाट? We'll be right back.
मिस्टर मर्चेंट, जरा देखो इसमें क्या है। स्वाति, जब वो यहां से निकले तुमने नोटिस किया कि उनकी हालत कैसी थी? जिस तरह चल रहे थे, कांप रहे थे, मैडम का सहारा लेकर चल रहे थे, ऐसा लग रहा था लंबे अरसे से बेड पे रहे होंगे। उनके चेहरे से बीमार हों ऐसा लग रहा था? मैंने उसी दिन देखा और उनका चेहरा भी देख नहीं पाए। क्यों? अंधेरा जो था। अंधेरा क्यों? लाइट ऑन नहीं थी। उनकी आंखों को तेज रोशनी बर्दाश्त नहीं होती। और वो मंकी कैप भी पहने हुए थे। मंकी कैप? ये सर, मंकी कैप, ओवरकोट और मफलर भी। बहुत ठंड लग रही थी उन्हें। सर, 103 डिग्री बुखार था मेरे साहब को, बहुत कांप रहे थे। अच्छा अच्छा, मिस्टर मर्चेंट, उन दोनों की आपस में अनबन होती रहती थी ऐसा सुना है। हाँ, they used to fight, लेकिन privately क्या होता है? मारपीट? नहीं 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 सर, वो तो देव जैसे आदमी है, कभी किसी पे ऐसा हाथ उठा ना, कभी। ठीक है। कभी नहीं सर। Difficult to say, because he's an alcoholic, but he's also is eccentric. That's a fact. Oh, sir, इसका मतलब मिस्टर एडन वाला ने खुद ही अपनी वाइफ को मार डाला और भाग गए। अगर मारना ही था तो उनके हाथ पैर क्यों बांधे? हाँ। और मान लो कि वो भाग गए तो उनकी गाड़ी किसी रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट के पास से मिलनी चाहिए थी, रेस कोर्स के पार्किंग लॉट से नहीं। सिवाय इसके कि उनका इरादा घोड़े पर बैठकर भागने का हो। नहीं सर, वो जानवरों से प्यार बहुत करते थे, लेकिन कभी ऐसे बैठते नहीं थे। कुत्ता, बिल्ली, बकरी, शादी में भी घोड़े पे नहीं बैठे थे, चल के। ओनली लव, नो सिटिंग, नो। देखो, ये सिर्फ कहने की बात है। आप लोग चाय पियेंगे सर? वाह, नाइस टी। थैंक यू। वाओ, ये सब बॉटल्स मिस्टर एडन वाला ने खाली किए हैं। अ बॉटल अ डे। ओह, ये एक बॉटल कितने की होगी? 400-500 रुपए की? 2500। कितने की? 2500। 2500 की एक बॉटल। इसमें क्या है? खाली है। फिर ऑन क्यों है? इसको ऑफ करो। नहीं नहीं, इसको कभी बंद नहीं करते। खाली भी हो तो भी चालू रखना पड़ता है। इसकी दीवार पर ना जो बर्फ जमी है, बंद करो तो पिघल जाएगी और पूरा पानी भर जाएगा। फिर अंदर कुछ रखना हो तो पूरे पानी को निकालना पड़ेगा, नहीं तो ये बड़ी मशीन खराब हो जाएगी। Oh, I'm sorry, sorry. लीजिए, ऑन कर देता हूँ। ये जर्मन कंप्रेसर है ना, 38 का। 38? ये 38 क्या है? 38? 38 सर, वो 37 के बाद आता है और 39 के थोड़ा पहले ऊपर आता है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, 37 के बाद 38 आता है। ये पीस कितने का होगा? ये 40-50 हजार। यू नो, मेरे साले ने परेल में होटल खोला है, उसको ऐसा ही चाहिए। वैसे एडन वाले को बेचना ही नहीं है? हाँ, वो तो सर, साहब तो एक के बाद एक करके सारी चीजें बेच रहे हैं। ये डाइनिंग टेबल दिख रहा है? नहीं तो बेच डाला ना, बेच डाला। अच्छा ठीक है ठीक है, तुम आराम से बैठो। ओपन दिस। आपको ये अंदर से देखना है? हाँ। तो ये सारी बॉटल्स उतारनी पड़ेंगी। ओ, तो उतारो। सर, कदरे, इधर आओ। सर प्लीज। हेलो। हाँ, अरे सर, ये स्टॉप इट, स्टॉप इट, छोड़ दो उसे। हाँ, स्पाइनल इंजरी, गॉट इट, थैंक यू। मिस्टर मर्चेंट, आइए बैठिए। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक मिसेज एडनवाला की मौत आपसे तकरीबन 5 घंटे पहले, यानी आज सुबह 7 बजे, और मौत की वजह है सीवियर स्पाइनल इंजरी।
जो कि बूथ के अंदर रखे बेंच की धार पर गिरने से हुई। हो सकता है मिसेज एडनवाला बेंच पर चढ़ी हो और गिर गई। मिस्टर गोखले, अगर वो शनिवार रात से मिल्क बूथ में बंद थी तो रविवार को मिल जानी चाहिए थी ना, जब सुबह सुबह मिल्क की वैन आती है तब। शायद आप नहीं जानते कि पिछले 5 दिन से आर एम एल कॉलोनी में हड़ताल चल रही है। मिस्टर गोखले, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ गुंडों ने गाड़ी रोक ली, मिसेस एडन वालों को मिल्क बूथ में बंद कर दिया और मिस्टर एडन वालों को किडनैप किया। आउट ऑफ क्वेश्चन मिस्टर मर्चेंट। व्हाई व्हाई इज इट आउट ऑफ द क्वेश्चन? इट्स स्ट्रेट एंड सिंपल। कोई किडनैप क्यों करेगा? पैसों के लिए। मिस्टर एडन वाला को किडनैप करे, उसकी बीवी को मार डाले, तो फिर पैसे किससे निकलवाएगा? मिस्टर मर्चेंट, एडन वाला ने कोई वसीयत बनवाई थी? नहीं, वो सब लीगल मैटर्स मेरे से ही करवाते हैं। उनका विल अगर बनाना होता तो नहीं बनाता। तो फिर कोई तीसरा आदमी लगता है, जान पहचान वाला, उनके सर्कल का। और कर सर, गदरे की ड्यूटी यहाँ लगा दो। ये सर, गदरे तो इधर ही रहते हो ना? मेरे सामने सर छिपाने की जगह दी है मुझे। अच्छा ठीक, दे रखो मेरा कार्ड, कोई भी बात हो, जरूरी बात तो मुझे फोन करना। थैंक्स फॉर दिस स्वाति। यू आर वेलकम सर। ये भाभी माँ करके क्या रो रहे थे? साहब ने मुझे बड़े भाई की तरफ प्यार किया है तो मैडम भाभी माँ ही हुई ना। क्या प्यार, पता है मुझे कितनी हंसी आ रही थी। I'm a emotional person. मर्चेंट साहब अभी तक यहीं पर, मैं निकलता हूँ। इधर इधर, एक ड्रिंक बना। आइस प्लीज यूज दैट। मिस्टर सुभाष शर्मा। मिस्टर एडी मर्चेंट, सुना है कि तुम फिल्मों में काम करने के इरादे से आए थे। इरादा तो पहले मेरा वकील बनने का था। Good, good. फिर सोचा छी गंदी लाइन, किसी अच्छी लाइन में जाऊंगा तो बेहतर होगा। जब तक फिल्मों का काम शुरू नहीं होता तब तक तुम्हें नौटंकी करनी चाहिए। अच्छा, कमाल के भांड। भाभी माँ, व्हाट अ परफॉर्मेंस देवर जी। अच्छा लगा आपको? थैंक्स। लेकिन एक प्रॉब्लम है। क्या? ये परफॉर्मेंस तुम करोगे कहाँ? मतलब जेल में। जेल में क्यों? क्योंकि पुलिस को तीसरे आदमी की जो तलाश है। तीसरा है, चौथा, मुझे उससे क्या। अरे वो तीसरे में तुम्हारा नंबर पहला आता है। मैं कहां से आ गया, ना मुझे कुछ लेना है ना इसमें कुछ देना है मुझे। सॉरी। मान लो कि मिस एडन वाले का खून हुआ है। चलो माना। माना हाँ। और मिसेज एडन वाला, भाभी मां, कि जान लेने की कोशिश की गई। चलो ये भी मान लिया। मान लिया। अब सवाल ये उठता है कि ए किसने किया, या बी किसने। ए भगवान जाने और बी भगवान जाने। भगवान तो सब कुछ जानता है भांड भैया, लेकिन पुलिस कुछ नहीं जानती। और जब तक पुलिस कुछ नहीं जानती वो शक करेगी कि ए शायद झूठा और बी शायद सच्चा। सी किस पर? किस पर?
जिसको एडन वाला की सारी जायदाद मिलने वाली है उस पर। एडन वाला की सारी जायदाद डूब गई है कर्जे में। पुलिस का हिसाब रखती है कि कितनी डूब गई है और कितनी बाहर है। मुझे नींद आ रही है, मैं निकलता हूं। नींद तो तुम्हारी जिंदगी भर की उड़ जाएगी जब तुम्हें पता चलेगा कि इसमें क्या है। क्या इसमें? तुम्हारी कब्र तो खुद चुकी है और तुमने अपने हाथों से खोदी है। जरूरत है सिर्फ एक लात की और तुम सीधे अंदर, और ये वो लात है। ये मिस्टर एडन वाला की वसीयत है जिसे उनकी सारी जायदाद तुम्हें मिलती है, और इसमें कुछ इंश्योरेंस की भी बड़ी रकम का जिक्र है। क्या हुआ? इतने परेशान क्यों? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। Come on, congratulations, cheers, come on, congratulations, drink up. आप मजाक कर रहे हैं, देखने दीजिए मुझे। सिर्फ आज की रात है तुम्हारे पास, और फिर कल सुबह मुझे ये पुलिस को दिखाना ही पड़ेगा। और वो गोखले ना, जब तक अंधेरे में तीर चलाता आ रहा है तीसरे आदमी के लिए, जब ये देखेगा ना तो गदगद हो जाएगा, गले लगा लेगा तुम्हें। हाँ, फिर जिंदगी भर इसे देखते रहना। गदरे साहब। अरे बसा बसा बसा। नाम क्या है आपका? गंगाधर। गंगाधर, दारू पीते हैं? नहीं नहीं, हाथ भी नहीं लगाता हूँ। घर पे हाथ नहीं लगाते होंगे, ये तो ड्यूटी पर इसलिए पूछ रहा हूँ। नहीं नहीं, ड्यूटी पर तो कभी भी नहीं। कभी भी नहीं? कभी नहीं। सच्ची? सच्ची। माँ कसम। माँ कसम। घेउंटा। हाँ कैसा लगा? अच्छा है। फॉरेन का है? स्कॉटलैंड का, स्कॉटलैंड का। अच्छा, ये साला फॉरेन का है वैसा लगता है। स्कॉटलैंड तो अभी सतारा में खुला ना। ये ले ले। स्कॉटलैंड सतारा में खुला और अभी पुणे में पोलैंड भी खुलने वाला है। तू ले ले।
मैंने नहीं किया है सर, इन्होंने आत्महत्या की अपने आप। आत्महत्या? हाँ, अपने आप। जहां तक मुझे पता है आदमी आत्महत्या खुद अपने आप करता है, और मलिका ने उसने भी आत्महत्या की खुद अपने आप। सर मैं इनको क्यों मारूंगा, क्यों मारूंगा मैं? पैसों के लिए और क्या, जब तुम्हें पता चला कि इनकी सारी जायदाद तुम्हें मिलने वाली है। मुझे तो वसीयत के बारे में पता ही नहीं था, आपने मुझे बताया, तब किसको पता है? इन्होंने बताया होगा, यू डैम इमोशनल फूल, कि तुमने मेरी जान बचाई, अभी ले ले सब, और फिर तुमने उसका मलिका का खून किया, फिर इनका खून किया। रास्कल, मैं पुलिस को फोन करता हूं। मेरे पास सबूत है, मेरे पास सबूत है। कैसा सबूत? मेरे पास सबूत है उनका खत, जिसमें उन्होंने लिखा है कि मैं आत्महत्या करने जा रहा हूं, ये सच कहता हूं। लाया। मेरी बात सुनिए, मल्लिका, मल्लिका का प्लान था ये। ये सच है कि उन्होंने आत्महत्या की है, लेकिन मल्लिका को ये साबित करना था कि उनका खून हुआ है। खून? हाँ। कैसा खून? क्योंकि इन्होंने इंश्योरेंस की पॉलिसी में ऐसी शर्त रखवाई थी कि बीमे की रकम तब जाके मिलेगी जब ये साबित हो कि उनका खून हुआ है, आत्महत्या हो तो नहीं, सच कहता हूं मैं। और मलिका? हाँ? मलिका उस मुल्क बुद्ध में क्या कर रही थी? वो तो है? मैं उनको वहां बांध के आया था, हमारे प्लान के मुताबिक गुंडों ने उनको वहां बांध दिया और साहब को किडनैप करके लेके गए ये साबित करने के लिए। तो फिर तुमने इसे जान से क्यों मार डाला? मैंने उनको नहीं मारा है, आरे मिल कलर की स्ट्राइक की वजह से उनकी मौत हुई है, मैं सच कहता हूं। तो फिर ये क्या कर रहे थे, ये क्या कर रहे थे तुम? सुनिए, मेरा क्या प्लान था पता है? इनको बाहर निकाल कर इनके हाथ में ये गन रख देता जिससे उन्होंने आत्महत्या की है, और दूसरे हाथ में उनका आत्महत्या वाला खत, और धमाका करके मैं बाहर चला जाता। धमाका सुनते ही गदरे अंदर आता और दिखता कि साहब ने तो आत्महत्या की है। बस बस, अगर आत्महत्या साबित हो तो तुम्हें एक रुपया नहीं मिलेगा। नहीं, नहीं चाहिए मुझे इनकी फूटी कौड़ी तक नहीं चाहिए, मैं सच कहता हूं मुझे फूटी कौड़ी। पहले ये गन दूर कर। सर, सर प्लीज मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए प्लीज। पहले वो आत्महत्या वाला खत लेकर आओ, फिर तेरी बात मैं मान लूंगा। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू जय सिंह। सर सर, ये आप ही के नाम लिखा है। एक मिनट। क्या हुआ? एक मिनट, आपने कोई आवाज सुनी? नहीं। एक मिनट, वहां से सुभाष, क्या हुआ सर? हाँ? वो गदरे वहां पे जाग गए। ओह माय गॉड सर, नहीं, नहीं, यहाँ पे सुभाष, अभी नहीं, इनकी डेड बॉडी को निकाल के बाहर रख देते ना। नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, रुक, गदरे यहाँ पे आ जाएगा, प्लीज सर, प्लीज तुम पादे पहले सुनो, इधर आओ मेरे पास सर, वो गदरे आ जाएगा, प्लीज सर, सुभाष की डेड बॉडी को निकाल देते, इधर आओ मेरे पास, इधर आओ, वो गदरे आ जाएगा सर, प्लीज। ये साइन कर। क्या ये? अरे गदरे आ जाएगा सब, सत्यनाश हो जाएगा। काहे का पेपर है ये? अरे तेरे फायदे की बात करो, साइन कर। ये तो स्टैम्प पेपर है सर। हाँ, कभी स्टैम्प पेपर में साइन नहीं किया? चल साइन कर। हाँ, लेकिन मुझे पता तो चले सर इसमें क्या लिखा क्या है। खोचू, मैं तुझे फांसी के फंदे से बचा रहा हूँ, तू मुझे पूछ रहा है इसमें क्या है? तू सोच मैं कुछ लूटने वाला हूँ क्या तुझे? नहीं 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 सर, मैं ऐसे साइन नहीं करूंगा। नहीं सर, साइन नहीं करेगा? नहीं। ठीक है, मैं गदरे को बुलाता हूँ। आप मुझे देखने क्यों नहीं देते कि इसमें क्या लिखा है?
और अचानक मेरी साइन की क्या जरूरत पड़ गई आपको? अबे साले, थोड़ी देर पहले अपनी जान बचाने के लिए मेरे जूते चाटने को तैयार था, अब मुझे पूछ रहा है इसमें लिखा क्या है? ये तो पावर ऑफ अटॉर्नी है। यस, तेरा जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी मेरे फेवर में। इस डॉक्यूमेंट के तहत तू सुभाष शर्मा मुझे एडी मर्चेंट को वो सब कुछ करने का हक देता है जो तू खुद कर सकता है। मतलब? मतलब मैं तुम्हारी जगह साइन भी कर सकता हूँ और वो इंश्योरेंस के पैसे भी ले सकता हूँ मैं। नहीं मिस्टर मर्चेंट, मैं इस पे साइन नहीं करूंगा। नहीं नहीं तुझे शूट करने के अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं है। मुझे नहीं लगता कि आप मेरी हत्या करने का जोखिम उठाएंगे। जोखिम? कैसा जोखिम? मिलोर्ड, ये एडन वाला की लाश के साथ यहाँ पे खेल रहा था और मैंने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया और उसने मुझे बंदूक दिखा के जान से मारने की धमकी दी और मेरी खुशकिस्मती से ये बंदूक मेरे हाथ में आ गई और इसकी बदकिस्मती से गोली चल गई। Prima facie, that is the case, my lord. अब समझा। वसीयत के मुताबिक इनके इंश्योरेंस के पैसे मुझे मिल सकते हैं। कब? जब ये साबित हो कि उनका खून हुआ हो तब। और अब एडन वाला का खूनी कौन बनेगा? मैं, सुभाष शर्मा ही। और आत्महत्या वाला खत भी आप ले चुके। मैंने इस कागज पे साइन करके मैं पैसे भी गंवाऊं और अपनी जान भी। नो वे, नो, नो। तुम्हें एक सवाल पूछूं? तुम्हें जवाब पता है इसलिए पूछ रहा हूं। जवाब मुझे पता है? कम जोखिम और जबरदस्त मुनाफा को क्या कहते हैं? ओह माय गॉड, जवाब देना। मौका, मतलब आपको सारी बात पहले से पता। 24 करोड़ की पार्टनरशिप तेरे और भाभी माँ के बीच नहीं, भाड़ के बच्चे मेरे और मलिका के बीच थी। What? तू तो सिर्फ घोड़ा है। जब घोड़ा रेस में जीतता है ना तो इनाम मालिकों को मिलता है, घोड़े को नहीं। गधे, घोड़े को सिर्फ घास मिलता है और अगर मालिक के मूड में आए तो गाजर। लेकिन एडन वाला की आत्महत्या वाला खत तो मेरे पास था ना, उसके जरिए मैं आपके हाथ में करूं। था, आत्महत्या वाला खत था, अब नहीं है ना, अब मेरे पास है। बहुत टाइम पास हो गया, तू साइन कर, नहीं तो उड़ाऊंगा। ये कहां से आ गई? नहीं सोची, बात बस, उसे कुछ मत करना। मैं साइन करता हूं, मैं साइन करता हूं। उसे छोड़ दो, मैं साइन करता हूं। उसे जाने दो प्लीज। अरे ड्रॉप द गन, आई से ड्रॉप द गन। सुभाष, ड्रॉप द गन। तूने फोन किया था मुझे? यस, आपने मुझे कार्ड दिया था ना। ये देखिए क्या किया इन्होंने। मैंने में ये देखिए सर, ये देखिए, ये देखिए। अरे माय गॉड, ये कौन है? यही तो एडन वाला साहब है, मेरे साहब। एडन वाला इज डेड? पूछिए इससे, पूछिए क्यों मारा मेरे साहब। सर, इसलिए एडन वाला का खून किया है सर। ये क्या हाल किया इन्होंने मेरे साहब का, देखिए तो सही सर। सर, इसी ने मिसेस एडन वाला को भी मारा है। सर, रात को मुझे आवाज आई यहाँ कर, देखा तो ये वकील साहब झूठ बोल रहा है। मेरे मेरे साहब की लाश को डीप फ्रीजर से बाहर निकाल रहे थे और मुझे देखकर घबरा गए। मुझे कहता मैं जैसा कहता हूँ वैसे तू करेगा ना, तो मैं तुझे 5,00,000 रुपए दूंगा। सर, आप मेरी बात मानिए, इसने इन दोनों का खून किया है। जब मैं यहाँ आया था तो मैंने इसे रंगे हाथ पकड़ा। हाँ पकड़ा, और मुझे गन दिखाकर मारने की धमकी देने लगे।
और स्वाति को भी। सर जब मैं आया इसने मुझे बंदूक दिखाकर मुझे धमकी दी है सर, और मुझे कहते कि सांप की बॉडी को निकाल कर वहां गाड़ी में रखने में मदद कर, तो मैं तुझे 1,00,000 रुपया और दूंगा और अपनी बेटी से शादी भी कराऊंगा। बेटी मेरी तो शादी भी नहीं हुई है, इसलिए मैंने मौका देकर आपको फोन कर दिया। अरे सर ये सब इसका कारनामा है, ये सरासर झूठ बोल रहा है। और सर इनके पास कोई पेपर्स है? पेपर्स? व्हाट पेपर्स? बिल 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 कुछ बोल रहे थे पता नहीं। शो मी द बिल। सर मैंने शो मी द बिल। मिस्टर गोखले मैं आपको पूरी कहानी सुनाऊंगा राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, बस आप इसकी मत सुनिए बस। शट अप, शो मी द पेपर्स। ये तो एडन वाला की विल है, वो सारी जायदाद तुम्हारे नाम कर गए हैं। मेरे नाम? साहब ने सारी जायदाद मेरे नाम की? क्या बात करते हैं आप सर? इसलिए ये साहब मेरे पीछे पड़े? नहीं मुझे नहीं चाहिए विल का रुपया, आप दे दीजिए इनको, मुझे नहीं चाहिए। ए, नोटों की मत कर सर, इसी ने एडन वाला का खून किया है सर। लेकिन ये खून क्यों करेगा? विल के लिए, और क्या, सारी जायदाद इसे मिलने वाली है। लेकिन मुझे तो विल के बारे में पता ही नहीं, ये तो आपने मुझे अब बताया, तब मुझे पता चला ना। अच्छा एक बात बताओ, ये तो वही एनवेलप है ना जो मैंने तुम्हें खोल कर पढ़ने के लिए कहा था? वो एम आई करेक्ट? कुछ वक्त पहले आप, और तुमने इसे खोल कर पढ़ा, am I correct? और जब मैंने तुमसे पूछा एडन वाला की विल के बारे में तो तुमने कहा मुझे कुछ नहीं पता, am I correct? Okay, you're right. लेकिन सवाल ये नहीं कि किसने खोला और किसने देखा, सवाल ये उठता है कि खून किसने किया, find that out first. सर सर ये वो कागज है जिस पर मुझसे जबरदस्ती साइन करवा रहे हैं। ये तो पावर ऑफ अटर्नी है मिस्टर मर्चेंट की फेवर में। पावर ऑफ अटॉर्नी माने इलेक्ट्रिक का बिल? नहीं नहीं तो? इसका मतलब यह है कि जो तुम कर सकते हो वो भी कर सकता है तुम्हारे बदले में। मेरे बदले? हाँ, जैसे इसमें बीमे की रकम का जिक्र है, तो तुम्हारे बीमे की रकम वो क्लेम कर सकता है मेरे बदले। हाँ, मेरा तो कोई बीमा, बीमे की रकम, मेरा तो रेशन कार्ड भी नहीं है। ठीक है मर्चेंट, कैन यू एक्सप्लेन दिस? आई कैन एक्सप्लेन एवरीथिंग। हाउ कैन यू एक्सप्लेन दिस? पावर ऑफ अटॉर्नी पर इसके साइन की क्या जरूरत है? सर ये कुछ नहीं है, आदमी आपको बुद्धू बनाने की कोशिश कर रहा है। सर आपको बुद्धू बोल रहे हैं? अरे बुद्धू तो मैं हूं ही, तीसरे आदमी की तलाश कर रहा हूं जबकि तीसरा आदमी सामने खड़ा है। सर आप इस मवाली की बात मानेंगे? सर तुम्हारे और मल्लिका के संबंध कैसे थे? That is none of your business, okay? I'll take this up with the high authorities. इसकी और मल्लिका के संबंध कैसे थे? अब जो आदमी स्नान करते करते पेशाब करेगा उसको कैसे पकड़ेंगे आप? भाभी माँ को भी नहीं। अरे भैया ये आपस में एक दूसरे से मिलते थे। ये जब स्वाति को ड्रॉप करना है तब भाभी मैं उनके साथ बाहर गई थी। What do you mean? Relax. कहाँ गए थे? I don't have to tell you. जवाब। Chinese restaurant. So what? पति बीमार पड़ा है और आप उसकी पत्नी के साथ चाइनीज रेस्टोरेंट गए थे। पति पत्नी और मंचूरियन। Shut up. You just shut up. सर वो जितना खोजू दिखता है उतना है नहीं, वो बहुत बड़ा उस्ताद है। सर जब वो नर्सिंग होम जाने निकले थे तो एडन वाला की जगह ये गया था। एडन वाला तो डीप फ्रीज में था। What do you mean? हाँ, उसके कपड़े और मंकी का पहन के गया था ये। पूछिए इसे। सर सर वो जब गए तब तो मैं यहीं पर था। स्वाति से पूछ लीजिए। स्वाति इनको बताओ मैं कहाँ था। सुभाष यही था। स्वाति सर ये झूठ बोल रहे। गाड़ी की चाबी दो, गाड़ी की चाबी दो। सर गाड़ी में से ये ओवरकोट, मफलर और मंकी कैप मिले। ये कपड़े मेरे डिक्की में। आपके डिक्की में नहीं सर, आपकी गाड़ी की डिक्की में। What do you think of this? मुझे क्या पता ये कहां से आ गए, ये सब इसकी चाल है। अंधेरा, मफलर, ओवरकोट, मंकी कैप, सब फिट बैठता है। So what? मैं तुम्हें एडन वाला के खून के जुर्म में गिरफ्तार करता हूँ। Are you out of your mind? किस जुर्म में? ये कोई सबूत होगे? I don't understand. Take him to the police station. Hey, don't take him out. Don't take me. Don't take him. Don't take me. नहीं, मेरे एडन वाला का खून नहीं किया। एडन वाला का खून हुआ ही नहीं। क्या बकवास कर रहे हो? उसने खुद अपने आप आत्महत्या की है। तो आत्महत्या तो अपने आप ही करेगा ना, किसी को कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी देगा। Shut up, shut up. क्या सबूत है तुम्हारे पास? ये क्या है?
एडन वाला ने खत लिखा है कि वो खुद अपने आप आत्महत्या करने वाला है। सर सुसाइड नोट। अरे सुभाष और मलिका को पता था ये सुसाइड के बारे में, जस्ट टू क्लेम द इंश्योरेंस मनी। रीड इट। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? ये ब्लैंक पेपर है, कोरा कागज। मुझसे तो कुछ नहीं पढ़ा जा रहा, तुम पढ़ के दिखाओ। सुबह बंगले का नाम क्या रखा? सुभाष विला या सुभाष सदन? अभी तक सोचा नहीं है। और इंश्योरेंस क्लेम का? वो पास हो गया। वाओ कंग्रेट। थैंक्स। कम? यहाँ का फोन बंद है क्या? नहीं चल रहा है। क्यों? नहीं मुझे लगा फोन खराब होगा। मुझे लगा सारी बम्बई के फोन खराब होंगे। एक फोन भी नहीं कर सकती थी स्वाति? मेरा तो दिल करता था तुम्हें एक क्या हमें दिन में 10 बार फोन करो, लेकिन लेकिन क्या? यू नो स्वाति, मैं तुम्हें सब बता देना चाहता हूँ, सब सच। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ। किसी फिलोसोफर ने कहा है, बिहाइंड एवरी ग्रेट फॉर्च्यून देयर इज अ क्राइम। क्राइम? हाँ, हर बड़ी दौलत के पीछे कोई ना कोई जुर्म होता है। लेकिन इस दौलत को पाने के लिए मैंने कोई जुर्म नहीं किया है। अरे मैंने कब कहा तुमने जुर्म किया? सो यू बिलीव मी? बिलीव? हाँ? मुझे पता है तुमने ऐसा कुछ नहीं किया। थैंक्स स्वाति, रियली थैंक्स। वैसे तो कभी कभी बड़ी दौलत के पीछे नसीब का हाथ भी होता है। गुड लक। मतलब? जैसे मेरा नसीब। मैं समझा नहीं। सुभाष, मिस्टर एडन वाला जब यहाँ से नर्सिंग होम जाने को निकले, हाँ? उन्होंने तुम्हारे जूते पहने थे, ये। हुआ ना मेरा नसीब? है ना पार्टनर? कौन है यहाँ महारथी? कौन है यहाँ महारथी?
करती